जेटली हमारी भाजपा में नहीं है, महिला मोर्चा से उनका कोई लेना देना नहीं है, एक साल से वो पार्टी में नहीं है। किसी माँ बहन के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आप सवालों का जवाब दीजिए। आप सिर्फ सुनाने आए, सुनने नहीं आए। आप सिर्फ सुनाने आए। आपको कई बात मेरी पूरी लगी, जैसे आपको इतनी सी बात पूरी है। आप सब पत्रकार बन नहीं 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 तुमने परसों मेरे को याद है काम नाम लिख मेरा फिर पता कर मैं कौन बीजेपी नेताओं का मिजाज लगता है राहु काल के प्रभाव में आ गया है। एक के बाद एक दूसरा विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा। मसलन शीतल व्यास के सरेआम धमकी देने और सड़क पर बवाल काटने के बाद बीजेपी पिच पर तो उतरी, लेकिन अपने ही बयानों से हिट विकेट हो गई। शीतल व्यास के झगड़े का वायरल वीडियो समाचार फर्स्ट पर चलने के बाद बीजेपी ने वारदात से दूरी बना ली और शीतल व्यास से किनारा कर लिया। क्या देखा तुमने परसों मेरे को? क्या देखा? नाम लिख मेरा फिर पता कर मैं कौन? पीछे कर ये तो मुझे तेरे को बात करनी है। खुद तो बढ़ गया के बीच में, दूसरे को तो पीछे बना के पीछे कर। दो गाड़ी का टुच्चा जनानियों के आगे हीरो का दांत तोड़ दूंगी अभी तेरे। शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा कि शीतल व्यास को एक साल पहले ही पार्टी निष्कासित कर चुकी है, लेकिन रश्मिधर सूद का बयान झूठा साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि समाचार फर्स्ट के पास एक ऐसा सबूत है जिसमें पुष्टि होती है कि बीजेपी ने 6 महीने पहले ही शीतल व्यास को पार्टी में वापस लिया था। हालांकि रश्मिधर सूद के बयानों को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी हम तो करेंगे ही, उससे पहले आप यह बयान सुनिए जो रश्मिधर सूद ने दिया है। माफ कीजिएगा, वो नेत्री हमारी भाजपा में नहीं है, महिला मोर्चा से उनका कोई लेना देना नहीं है, एक साल से वो पार्टी में नहीं है, इसलिए आप इस मुद्दे में उनसे राय लें, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है। दैट इज नॉट विद बीजेपी, दैट इज नॉट विद महिला मोर्चा। आपने सुना कि कैसे बीजेपी ने शीतल व्यास से खुद को किनारा कर लिया, लेकिन रश्मिधर सूद ये भूल गई कि जिस शीतल व्यास को एक साल से पार्टी से निष्कासित होने की बात कर रही हैं, उनकी बहाली की गवाही ये अधिसूचना दे रही है। गौर से देखिए, बीजेपी की ओर से जारी इस पत्र में साफ लिखा है कि शीतल व्यास की बहाली 6 महीने पहले 29 जनवरी 2022 को कर दी गई है। ऐसे में क्या यह समझा जाए कि जुबानी तौर पर बीजेपी जब चाहे किसी भी पदाधिकारी से अपना पीछा छुड़ा सकती है? और तलब है कि समाचार फर्स्ट ने शीतल व्यास का विवादित वीडियो चलाया था, उसने उनके निष्कासन का जिक्र भी किया था, लेकिन बीजेपी का यह दस्तावेज क्या झूठ बोल रहा है? क्या शीतल व्यास का निलंबन वापस नहीं हुआ है? अगर ऐसा है तो क्या पत्रकार वार्ता में गलत जानकारी देकर घटना से ध्यान हटाया नहीं जा रहा? क्या अनुशासन, शिष्टाचार, कानून का डर सिर्फ आम नागरिकों के लिए है? क्या बीजेपी नेता इन दायित्वों से आजाद है? शिमला से पीचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।